आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पूरे प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक चलेगा कोरोना टीका उत्सव। राज्यपाल ने लोगों से की अपील, कहा अवश्य कराएं टीकाकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 पर नियंत्रण संबंधित बैठक, कहा निगरानी समिति को किया जाए सक्रिय। 500 कोरोना मरीजों वाले जिलों में लगाए जाए रात्रि कर्फ्यू। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने के दिए निर्देश। एडीएम फाइनेंस ने कहा नगरीय क्षेत्र में ही प्रभावी रहेगा नाइट कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं पर नहीं रहेगा कोई प्रतिबंध। शाहपुर थाना क्षेत्र के खरैया पोखरा में शुक्रवार की रात बदमाशों ने घर में घुसकर की व्यापारी की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया कॉलोनी में युवक की हुई जलाकर हत्या, आरोपी युवती और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने कहा पैनल बनाकर किया गया शव का पोस्टमार्टम, हो रही है विधिक कार्रवाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने मुंबई तथा अन्य राज्यों से मजदूरों के पलायन पर कहा अफवाहों से रहें दूर, देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, पलायन की जरूरत नहीं सिर्फ लगेगा रात्रि कर्फ्यू। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से एसएसपी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में शनिवार को मिले 320 नए कोरोना संक्रमित मरीज, दो की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,436। अब तक 371 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 1,665 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां हुई पूरी, फुल रिहर्सल का हुआ आयोजन। कुलपति ने कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित होगा समारोह, केवल गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा मेडल। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पुलिस विभाग द्वारा महानगर में 17 पॉइंटों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। एसपी सिटी ने कहा जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए अवश्य लगाए मास्क। जिला अस्पताल सहित 25 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का शनिवार को किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा आवश्यक हो तभी मास्क लगाकर निकले घर से बाहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए 24,000 मतदान कार्मिकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, अंतिम दिन छूटे हुए मतदान कार्मिकों का होगा प्रशिक्षण। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शिरकत कर लौटे आरएसएस के प्रांत संघ चालक ने संघ के कार्यों की दी जानकारी, कहा बैठक में हुई दो बिंदुओं पर चर्चा, बनी रणनीति। 7 साल में रामगढ़ ताल से जलकुंभी साफ करने के लिए खर्च हो चुका 4,60,00,000 रुपए, प्रशासन ने एक बार फिर जलकुंभी सफाई का चलाया अभियान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह के तहत विज्ञान संकाय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता में शनिवार को एमबीएफसी बदौली ने दुर्गा स्पोर्टिंग क्लब नंदा नगर को तथा गोरखा बॉयज एफसी ने सीआईसी क्लब पिपराइज को दी शिकस्त।